मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मित्रों प्रणाम, आज एक बार फिर मौका मिला है आपके साथ रूबरू होने का ट्रू मीडिया के माध्यम से, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो यात्रा है, हंसी की यात्रा है, आनंद लेते हैं यात्रा का। आपको एक वाक्य बताता हूँ, वाक्य क्या है, हकीकत है। एक हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, और खूबी ये होती है कि जो अपनी कमी है वो दूसरे के मत्थे मर देना, ये बहुत बड़ी खूबी है आजकल के इंसानों में, मेरे अंदर भी है। तो मेरे अंदर जो कमी आई पिछले कुछ दिनों में, वो कमी ये हुई कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया। और मैंने क्या किया कि अपना वजन बढ़ने की जो क्या बोलना चाहिए, जो मेरे अंदर कमी थी जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ा, उसका पूरा का पूरा दोष मैंने भगवान को दे दिया। तो भगवान की मेरी क्या वार्तालाप होती है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि मैंने भगवान से पूछा मुझे क्यों बना दिया इतना मोटा, वो पहले तो खिलखिलाए, फिर बोले तू क्यों करता अपना दिल छोटा, अरे गोरी मोटी चमड़ी तुझ पर खूब जस्ती है। और आजकल मोटे का मतलब एक कामयाब हस्ती है। मैंने कहा हस्ती है, काय की हस्ती है, अरे मोटा होने में भी कोई मस्ती है, अरे रहता अकेला हूं पर लगता है कि पूरी की पूरी बस्ती है। अब इंच के रेट से कमीज खिलता है दर्जी, और मालिक वाला भी नोट ले लेता है मन मर्जी, और कितना ही खा लूं पर पेट नहीं करता यकीन, पता नहीं तूने इसमें कौन सी फिट कर दी मशीन। पर दिक्कत यह है कि मीठा ज़्यादा खा लूँ तो बढ़ जाती है शुगर, और नमकीन चेप दूँ तो मशीन तोड़ देता है ब्लड प्रेशर, और आलू की सब्जी जो मुझे बिल्कुल नहीं भाती है मेरी घर वाली रोज वही बनाती है। अब वो भी क्या करे, अरहर की दाल और पनीर खाने की तो नहीं रह गई औकात, और केवल 20-25 रोटी खाने से नहीं बनती है बात। कोल्ड ड्रिंक तो मुझे देख कर दूर से शर्माती है, चार बोतल वोदका मेरा कुछ नहीं कर पाती है। अब तो बाबा के योग से भी नहीं आता है जोश, और आधा किलोमीटर चल लेता हूँ तो हो जाता हूँ बेहोश। कल गेहूँ खरीदने चला गया तो दुकानदार ने कमाल कर दिया, 100 किलो का माट नहीं मिला तो तराजू पर मुझको ही धर दिया। लोगों ने मेरा जीना कर रखा है दुश्वार, और मेरे बेचारे वजन को खामा खाम बना रखा है किसी बार। मुझको यहाँ रहकर लोगों के ताने सुन सुन कर नहीं मरना है, अब हे राम अब तू ही बता मुझे क्या करना है। तो प्रभु बोले कि तू पॉलिटिक्स में जा, वहाँ तेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, एक कमल वाली पार्टी है जिसके लिए तो बंदा एकदम राइट है, जहाँ नितिन ईरानी राजे महाराजे जैसे मजबूत नेताओं के चैम्बर हैं, और तू चिंता मत कर अमित शाह जी के बाद तेरा ही नंबर है। अब मित्रों मुझे अपनी तरक्की छोड़ के देश की तरक्की में लगना है, अरे छीना 56 इंच का नहीं है तो क्या हुआ, वजन तो दुगना है। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।